नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया ए वर्सेज वेस्ट इंडीज़ ए के बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा अनऑफिशियल टेस्ट मैच से आपको बता दूँ। तो बात करेंगे इस टेस्ट मैच के ड्रीम 11 टीम की और साथ साथ बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की। आपको बता दूँ फर्स्ट टेस्ट मैच से इसलिए मैं ना ही पिछला प्लेइंग 11 और ना ही पिछले मैचों में परफॉर्म करने वाले प्लेयरों के परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा। आपको तो इंडिया ए की टीम वेस्ट इंडीज़ गई है जहां उसने 5 अनऑफिशियल ओडे मैच खेल चुके जिसमें से वो 4 जीत गई थी और वेस्ट इंडीज़ ने 1 जीता है। और अब इंडिया ए की टीम 3 टेस्ट मैच खेलेगी तो उसमें से फर्स्ट टेस्ट मैच आज है। तो बात करेंगे इसके ड्रीम 11 टीम की। और तो चलिए फिर बात करते हैं दोनों टीमों के सबसे पहले स्क्वाड की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को बताइए। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की। सबसे पहले तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ ए का जो स्क्वाड है आप देख सकते हैं क्रैग ब्रैथवेट जो कि कैप्टन है, सुनील एम्ब्रेस, उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लैकबोर्ड ब्रूक्स, उसके बाद रॉस्टन चेस, सेन डॉरिच, रकीम कॉर्नेवाल, जॉन चैम्बल, रायमन रेफर, उसके बाद कमिंस, जोमेल वरिकन, फिर लुइस है और चेमर होल्डर। तो ये बता दूँ वेस्ट इंडीज़ ए का स्क्वाड है। अब बात करते हैं इंडिया ए के स्क्वाड की। तो आप देख सकते हो अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियंक पांचाल, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, रिद्धिमान शाह, कृष्णप्पा गौतम, नवदीप सैनी, शाहबाज नदीम, सरदुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, श्रीखर भारत, शिवम दुबे, मयंक मरकंडे और आवेश खान। तो ये इंडिया ए का स्क्वाड है। अब बात करेंगे हम ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में आपको तो जो आपका जो ऑप्शन रहने वाले हैं 3 ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं सॉरी 4 ऑप्शन है आपका। आप देख सकते हो एस डॉरिस, रिद्धिमान शाह, श्रीकर और इसके अलावा हैमिल्टन। तो आपको बता दो मैंने रिद्धिमान शाह को लिया, आप चाहो तो डॉरिस को भी ले सकते हो, डॉरिस के खेलने के चांसेस ज़्यादा है वेस्ट इंडीज़ की ओर से। तो अगर आप डॉरिस को ले तो डॉरिस को भी ले सकते हो, या फिर आपको बता दो इसके अलावा हैमिल्टन आपको बता दो ये नहीं खेलेंगे और इनको ना ले तो ये अच्छा होगा। और श्रीकर, रिद्धिमान शाह, डॉरिस इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हो। जैसे कि मैंने देख सकते हो रिद्धिमान शाह को ले, आप चाहो तो तीनों विकेट कीपर को ले सकते हो या फिर आप दो को भी ले सकते हो, रिद्धिमान शाह और डॉरिस को। और आप अगर मेरे से सेटिस्फाई हो तो आप रिद्धिमान शाह के साथ ही जाइएगा क्योंकि रिद्धिमान शाह बहुत अच्छे बैट्समैन है और विकेट कीपर कीपिंग भी ठीक ठाक कर लेते, अच्छी कर लेते विकेट कीपिंग। तो रिद्धिमान शाह को मैंने इसलिए लिया क्योंकि अच्छे पॉइंट दिलाएंगे और आपको लगता है रिद्धिमान शाह अच्छे पॉइंट नहीं दिलाएंगे तो आप डॉरिस के साथ भी जा सकते हैं, और आपको लगता है दोनों ही अच्छे पॉइंट दिलाएंगे तो दोनों के साथ भी आप जा सकते हो। इसके बाद बात करते बैटिंग की। तो बैटिंग में मैंने 4 बैट्समैन अपनी टीम में रखे, श्रेयस अय्यर को रखा है, क्रैग ब्रैथवेट को रखा है, सुमन गिल को रखा है, सुनील एम्ब्रेस को रखा है। इसके अलावा हनुमा विहारी आपका ऑप्शन है, पांचाल आपका ऑप्शन है, आप इनको ले सकते हो। जॉन चैम्बल खेलेंगे, इनको आप अपने टीम में रख सकते हो। ब्लैकवुड हो गए, ब्रूक्स हो गए, तो ब्लैकवुड, ब्रूक्स और हेगड़े इनमें से कोई एक खेलेगा आपको बता दूं। तो देख लीजिएगा आपको किनको लेना है, किनको ड्रॉप करना है। अगर जो 4 मैंने लिया, अगर आप इनसे सेटिस्फाई तो इन 4 के साथ जाइएगा, अगर आप इनसे सेटिस्फाई हैं तो जो बाकी के ऑप्शन है उनमें से आप ट्राई कर सकते हो। जो बाकी के ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, उनमें से जिनको आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है जो अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको ले सकते हो। एक बार मैं सजेस्ट कर दूँ तो बाकी के ऑप्शन में से कौन कौन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, अनुआ बैर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा जॉन चैम्बर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, तो दो प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, इन दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो अगर इन 4 से सेटिस्फाई नहीं हो तो। और जो 4 मैंने लिया, अगर इनसे सेटिस्फाई आपको लगता है 4 अच्छा खेलेंगे और मेरे साथ जाना चाहते हो तो इन 4 को लीजिएगा, श्रेयस अय्यर, ब्रैथवेट, सुमन गिल और सुनील एम्ब्रेस। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो मैंने रोस्टन चेस को लिया और शिवम दुबे को लिया। इसके अलावा आप कॉर्नेवाल को ले सकते हो और रेफर को ले सकते हो, और दो ऑप्शन आपका और है, और आपका तो कृष्णप्पा गौतम के खेलने के चांसेस थोड़े से कम है तो इनको ना ले तो ये अच्छा होगा, और इन दोनों में से ट्राई कर लीजिएगा अगर आप दो ऑलराउंडर जो मैंने लिए इनसे सेटिस्फाई नहीं हो तो। अगर इनसे सेटिस्फाई हो तो इन दोनों के साथ ही जाइएगा, रोस्टन चेस और शिवम दुबे के साथ। इसके बाद बात करते हो बॉलिंग की। तो बॉलिंग में मैंने 4 बॉलर लिया, वरिकन को लिया, नवदीप सैनी को लिया, कमिंस को लिया है और इसके अलावा शाहबाद नदीम को लिया है। मैंक इसके अलावा मैंक मरकंडे आपका ऑप्शन है, शरदुल ठाकुर हो गए, तो इसके अलावा सिराज हो गए, तो कुछ ऑप्शन आपका और बचता है, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हो। और वेस्ट इंडीज़ के होल्डर हो गए, लुइस हो गए, तो वेस्ट इंडीज़ के भी कुछ ऑप्शन और बचते हैं, तो देख लीजिएगा आप उनमें से ट्राई करना चाह रहे हो तो उनमें से ट्राई कर सकते हो, या फिर आप मेरे से सेटिस्फाई तो इन 4 के साथ ही जाइएगा, वरिकन, नवदीप सैनी, इसके अलावा कमिंग्स और शाहबाद नदीम। आपको तो देख सकते हो नवदीप सैनी को 79% लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया, और आपको तो अच्छे बॉलर भी, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीवर कैप्टन वाइस कैप्टन कितने, मैंने देख सकते हो शुभमन गिल को कैप्टन, सुनील एम्ब्रेस को वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए,
रिद्धिमान साहब भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। रिद्धिमान साहब भी अगर बैटिंग अच्छे से कर ले तो अच्छा स्कोर कर देंगे और आपको आपके लिए अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। इसके अलावा क्रैक ब्रैथवेट हो गए, रोस्टन चेस हो गए, शिवम दुबे हो गए, तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपका उनमें से भी ट्राई कर सकते हो आप कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर जो दो ऑप्शन मैंने दिया है सुमन गिल और सुनील अमरीश का, इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं। ये दोनों भी बहुत अच्छे ऑप्शन है और मुझे लगता है ये दोनों ही अच्छे परफॉर्म करेंगे इस मैच में। और लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। नीचे जो रेड कलर का बटन है वैसे उसको प्रेस करना था, उसको प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड आई होप इतने रिक्वेस्ट करते आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो जाए ड्रीम11 टीम बनाने में। एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड आई होप आप लोग इस टीम से बहुत अच्छा विन करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।